हेलो फ्रेंड्स, इजी नोट्स फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जो जून का एग्ज़ाम और दिसंबर का एग्ज़ाम है, या आने वाले एग्ज़ाम में किसी में भी आप क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, तो ये फ्री बुक जो है आपके लिए अवेलेबल है। अब आपको मार्केट से कोई भी महंगी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हमारे वीडियोस कंटिन्यू सीरीज़ देखते रहेंगी, ये जो हमारी फ्री बुक की है, तो उससे ही आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको पूरा टॉपिक जो है, हमारे पूरा जो सीरीज़ चलेगा यूजीसी नेट पेपर वन का बुक्स का, तो वो उससे आपको पूरा समझ में आ सके और पूरा टॉपिक जो है हम उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप हमारा पूरा जो है यूट्यूब वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे जो भी यूजीसी नेट पेपर वन की जो फ्री बुक्स के जितने भी वीडियोस हैं, हम उसको रोज़ पार्ट में लेकर आएंगे। और जो है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे ये हम सीरीज़ चलाने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बाहर से बुक नहीं ले सकता है, क्योंकि काफ़ी महंगी होती हैं बुक्स, तो आप इसी से ही तैयारी करेंगे तो भी इसका टॉपिक जो है आपका काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी कवर कर लेंगे टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, देखिए, शिक्षण एवं शोध आवृत्ति है क्या, आप इसको समझ लीजिए क्या पेपर होता है ये। तो देखिए, इस प्रश्न का प्रमुख उद्देश्य क्या है, परीक्षार्थी की शिक्षण एवं शोध क्षमता का मूल्यांकन करना। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण एवं शोध अभिवृद्धि का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षा से पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल है। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच सम्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण है, यानी कि जो सिलेबस है, हम वो सिलेबस देख लेते हैं। क्या सिलेबस है यूजीसी नेट पेपर वन का, जो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो पहला देखिए, जो यूनिट है वो है शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें क्या पूछा जाएगा, शिक्षण में आएगा टॉपिक अवधारणाएँ, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। फिर है शिक्षार्थी की विशेषताएं और शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें कि शिक्षक आता है, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं। यह आप पूरा वीडियो पॉज कर करके देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, जिसमें कि स्वयं प्रभाव, MOOCs इत्यादि शामिल हैं। शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित, और मूल्यांकन प्रणाली यानी मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित, क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। ये है यूनिट वन। इसी तरीके यूनिट टू है रिसर्च एप्टीट्यूड की, यूनिट थर्ड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट फोर है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, यूनिट फाइव गणितीय तर्क और अभिवृत्ति यानी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, युक्तियुक्त तर्क क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, आंकड़ों की व्याख्या यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लोक विकास और पर्यावरण यानी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से आएगा यूनिट नाइन में। फिर है उच्च शिक्षा प्रणाली यूनिट 10। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट से, यानी शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड। तो अब हम इस अध्याय में शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, प्रश्नों का प्रवृत्ति विश्लेषण, शिक्षण, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धतियाँ, शिक्षण सहायक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणालियाँ, अभ्यास प्रश्न। अब देखिए क्या लिखा गया है, प्रश्नों का प्रवृत्ति विश्लेषण यानी इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। ये जो यूनिट वन है, इसमें क्या रहता है कि इस खंड में से 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार इनकी संख्या 10 हो जाती है, इसलिए ये यूनिट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण
अवधारणाएं यानी टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। शिक्षण या अध्यापन का सामान्य अर्थ है विद्यार्थियों को पढ़ाना। ये वह क्रिया है जिसमें एक शिक्षक विद्यार्थियों को नए प्रकार का ज्ञान देने एवं नई बातें सिखाने के लिए उन्हें शिक्षित करता है। शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के कौशल का विकास करना और उन्हें भविष्य के लिए योग्य बनाना। ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मल्टीपल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि शिक्षण या अध्यापन का सामान्य अर्थ क्या है और शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के कौशल का विकास करना एवं उन्हें योग्य बनाना। साथ ही शिक्षण अभिरुचि का अर्थ क्या है? एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना, यानी जो शिक्षक जो टीचर है उसको जो है अपने स्टूडेंट को पढ़ाने में रुचि रुचि किस बात से संबंधित होती है कि जब वो अपने जो विद्यार्थी उनको पढ़ाने वाले गुण उनमें होने चाहिए तभी उसमें शिक्षण अभिरुचि पाई जाती है। जब तक शिक्षक में यह गुण नहीं होगा तब तक वह विद्यार्थियों को शिक्षित नहीं कर सकता। शिक्षण एक अनुशासनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक कम अनुभव वाले विद्यार्थियों के व्यवहार को प्रभावित करता है और शिक्षण के द्वारा वह विद्यार्थियों के व्यवहार को समाज की आवश्यकता विचार के अनुरूप विकसित करने का प्रयास करता है। अब देखिए, अभिरुचि क्या है और शिक्षण क्या है। अभिरुचि कुछ करने की प्राकृतिक क्षमता, भविष्य के बारे में बताने की वर्तमान क्षमता, एक निश्चित स्तर पर निश्चित प्रकार का कार्य करने की क्षमता का एक घटक, ये होती है अभिरुचि। और शिक्षण क्या है? रचनात्मक ज्ञान एवं प्रस्तुतीकरण की क्षमता, विद्यार्थियों में मनोवांछित गुणों एवं कौशलों के विकास की क्षमता, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का अवसर। ये किस में शामिल है? शिक्षण में। तो अब ये आप डिफरेंस तो आप समझ गए होंगे इन दोनों का कि अभिरुचि क्या है और शिक्षण क्या है। अब देखिए शिक्षण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। तो डेफिनेशन ऑफ टीचिंग क्या है? शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं हैं। फिलिप्स ने कहा है, देखिए ये परिभाषाएं आपसे उसमें पूछी नहीं जाएंगी कि पूरे डेफिनेशन लिखनी हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि कोट आपको दिया हो कि शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है, किसने कहा है, इस तरीके का मल्टीपल क्वेश्चन हो सकता है। या जैसे शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे एवं मनुष्य के शरीर मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है, ये किसने कहा है। तो अगर आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो इस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ये अच्छे से आप देख लीजिए। रेमंड ने क्या कहा है, शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षार्थी को क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान करती है शिक्षा, यानी शिक्षा क्या करती है, शिक्षार्थी को एक्टिव बनाने का प्रयास करती है, विद्यार्थी के संवेगों को प्रशिक्षित करती है, विद्यार्थी को अपने वातावरण के अनुकूल बनने में सहायता करती है, अन्य कारकों से संबंध स्थापित करती है। शिक्षण मनुष्य की जनजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। शिक्षण एक नियंत्रित क्रिया है जिसके द्वारा समूह में व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन घटित किए जाते हैं। अब देखिए, ये तो आपने पढ़ ली शिक्षण की परिभाषाएँ, अब है शिक्षण के प्रकार। परिभाषा आपने पढ़ ली, अब है शिक्षण के प्रकार। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए इसको ज़रूर पूरा देखिएगा। टाइप्स ऑफ टीचिंग, विभिन्न मानकों उद्देश्यों स्तरों इत्यादि के आधार पर शिक्षण का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है अधिगम स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल,
यानी शिक्षण विभिन्न विषयों और उस विषय वस्तु से संबंधित एक मानसिक विमर्श की वह प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षण के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर आलोचना, समालोचना, विश्लेषण और संश्लेषण इत्यादि के संदर्भ में तार्किक विकास किया जाता है और ये विभिन्न प्रकार के समस्याओं को हल करने की अंतर विनिमय की प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत स्मृति के स्तर पर विद्यार्थियों को समझने, अब देखिए किसके स्तर पर ये समझने और रटने की जो प्रक्रिया है वो किसके स्तर पर होती है, ये देखिए मतलब अगर पूछा जाए कि किस स्तर पर जो है समझने और रटने की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है तो वो है मेमोरी। उसके बाद है विद्यार्थी में संबंधित विषय के अवबोध के विकास के लिए विषय वस्तु की प्रकृति और उसके विभिन्न स्तर पर उदाहरणों और दृष्टांतों घटनाओं के माध्यम से जो समझने की प्रक्रिया होती है उसे अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण को परिभाषित किया गया है। सेकंड है शासन व्यवस्था के आधार पर, देखिए पहला है अधिगम के स्तर पर शिक्षण के प्रकार हैं अधिगम स्तर के आधार पर, दूसरा है शासन व्यवस्था के आधार पर यानी दुनिया में प्रचलित विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण को परिभाषित किया जाता है। जैसे निरंकुश शिक्षण प्रणाली में संपूर्ण शिक्षक प्रक्रिया का संचालन शासक की इच्छा के अधीन किया जाता था, जैसे भारत के प्राचीन राजवंशों में इसी प्रकार की शिक्षा थी, जबकि लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली जनता की इच्छा के अनुसार संचालित होती थी। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को कुछ नियम विनिमय अधिनियम इत्यादि के माध्यम से संचालित किया जाता है। काफ़ी हद तक यह शिक्षा व्यवस्था हस्तक्षेप रहित शिक्षा प्रणाली होती है और इस व्यवस्था में शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण किया जाता है और विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन के लिए स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि वर्तमान शिक्षा पद्धति इसी स्वरूप में है। किस स्वरूप में है, जब शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षा के विभिन्न रूपों का निर्धारण किया जाता है और विद्यार्थी किसी भी रूप में अध्ययन के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो वो कौन सी शिक्षा पद्धति है, वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति। फिर है शिक्षा के प्रकार में शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और औपचारिक शिक्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है। औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत इसके लिए कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं जिसका पालन करना विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है। यानी अब देखिए औपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है, जैसे समय औपचारिक शिक्षण में, स्थान, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और शिक्षण की कोर्स की अवधि और उसका वर्गीकरण होता है और यह व्यवस्था पूर्व नियोजित होती है। इसका उद्देश्य डिग्री या व्यवसाय अर्जन करना होता है, यह होती है औपचारिक शिक्षण। ठीक है, अब जबकि अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत, अब अनौपचारिक बात हो गई, अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त होता है, सीमा आयु वर्ग में उदारता बरती जाती है, जैसे प्रौण शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षण में औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताएं मिली हुई पाई जाती हैं। किसमें, निरौपचारिक शिक्षण में। तो अभी आप समझ गए होंगे औपचारिक में क्या होता है, बाधाएँ होती हैं, टाइमिंग होती है, आपका सिलेबस होता है, आपके जो है शिक्षण विधियां होती हैं जिसमें आपके टीचर भी सम्मिलित होते हैं, तो वो होती है औपचारिक। अनौपचारिक जिसमें कि कोई आयु सीमा नहीं होती है, समय सीमा नहीं होती है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा होती है, ये अनौपचारिक में आती है। और निरौपचारिक जो होती है शिक्षण, उसमें क्या होता है, औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण दोनों की विशेषताएँ मिली होती हैं, अर्थात इसमें कुछ स्वतंत्रताओं के साथ कुछ शर्तों का पालन आवश्यक होता है। दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने की व्यवस्था इसी के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत, निरौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत। ये देखिए निरौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत ये आती है,
दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने की व्यवस्था इसी के अंतर्गत आती है। भारतवर्ष में इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था के लिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर उदाहरण है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही आपको। अब नेक्स्ट है उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा का जो प्रकार है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण व्यवस्था को कई शिक्षाविदों ने परिभाषित किया है, लेकिन सबसे प्रामाणिक और प्रचलित सिद्धांत जो है ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शिक्षण के उद्देश्यों को, अब देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसने, सबसे प्रामाणिक और प्रचलित सिद्धांत B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शिक्षण के उद्देश्य को ज्ञानात्मक शिक्षण, भावनात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण के रूप में परिभाषित किया है। किसने, ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में शिक्षण के उद्देश्य 3 बताए हैं, ज्ञानात्मक शिक्षण, भावनात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण। ऐसी शिक्षण व्यवस्था जो कि ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन पर आधारित होती है उसे ज्ञानात्मक शिक्षण कहते हैं। ज्ञानात्मक यानी जिसमें ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण होता है एवं मूल्यांकन आधारित होती है वो ज्ञानात्मक। परंतु ऐसा शिक्षण जो कि संकल्पना, संगठन, चरित्र निर्माण एवं अनुक्रिया, अनुमूल्यन और ग्रहण के सिद्धांत का अनुपालन करती है उसे क्या कहते हैं, भावनात्मक शिक्षण। अब मनोगत्यात्मक शिक्षण क्या है, शिक्षण में शारीरिक और मानसिक शिक्षण दोनों ही समाहित होते हैं। इसके अंतर्गत उद्दीपन कार्यकारण नियंत्रण समायोजन एवं स्वभावीकरण एवं मदद इत्यादि का निर्माण किया जाता है। तो ये आती है उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा के शिक्षण के प्रकार। इसमें अगर आप जैसे पूरा वीडियो देख लेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर तो इसी में ही आपको मिल जाएंगे। शिक्षण स्वरूप के आधार पर, अब आपने 4 पढ़ लिए, अब है शिक्षण स्वरूप के आधार पर, यानी इसके अंतर्गत शिक्षण के दौरान किसी भी विषय का वर्णनात्मक परिचर्चा की जाती है, साथ ही उस वर्ण द्वारा उस विषय पर जब उस समस्या का निदान खोजा जाता है तो उसे निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग किसको कहते हैं, निदानात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये किसे कहते हैं, शिक्षण के दौरान किसी भी विषय का वर्णनात्मक परिचर्चा की जाती है, साथ ही उस वर्ण द्वारा उस विषय पर उस समस्या की, जहाँ पर समस्या का समाधान यानी निदान खोजा जाता है वहाँ पर निदानात्मक शिक्षण होता है। किसी भी समस्या का निदान जहाँ पर खोजा जाए, अगर क्वेश्चन आता है तो वो समस्या के निदान के लिए निदानात्मक शिक्षण, जिसके द्वारा एक संपूर्ण समस्या का किस प्रकार हल निकाला जाए उसके विभिन्न विकल्प रखे जाते हैं, जिससे उपचारात्मक शिक्षण के रूप में माना जाता है। तो देखिए, और जिसके द्वारा इस संपूर्ण समस्या का किसी प्रकार का हल निकाला जाए, ये तो समस्या पता करी जाए, समस्या खोजी जाती है तो निदानात्मक शिक्षण, और उसका हल निकाला जाए तो उपचारात्मक शिक्षण। आपको समझ में आ रहा है, निदानात्मक जहाँ पे उस समस्या का निदान खोजा जाता है, और उपचारात्मक जहाँ उसका हल निकाला जाए उसके विभिन्न विकल्प रखे जाते हैं। फिर है क्रियाओं के आधार पर, इस शिक्षण में विषय वस्तु की भूमिका और प्रस्तुतिकरण का महत्व दिया जाता है, साथ ही हाव भाव आधारित विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शन और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को समाहित किया जाता है। ये सबसे प्रभावी और जीवन शिक्षण विधि में शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक जीवंतता और मौलिकता का भाव होता है। इस प्रकार शिक्षण व्यवस्था से विद्यार्थियों की अवगाहन क्षमता चिरस्थायी होती है। तो इस तरीके से 6 जो हैं शिक्षा के प्रकार आपने पढ़े, शिक्षण के प्रकार, अधिगम शासन व्यवस्था के आधार पर, शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर, शिक्षण स्वरूप के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर।
अब है शिक्षण के उद्देश्य। अब ये जान लीजिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या होती है। शिक्षण के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक होता है। यदि शिक्षण उद्देश्यपरक नहीं होगा तो वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकता, और लक्ष्यों की पूर्ति यदि नहीं होगी तो गतिशील समाज का निर्माण संभव नहीं होगा। तो शिक्षण के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं, तो क्या क्या उद्देश्य हैं देख लीजिए। सामाजिक व मानवीय मूल्यों का निर्माण और विकास करना, आध्यात्मिक नैतिक विकास करना, जीवन शैली का व्यापक बनाना, ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन, ज्ञान की समृद्धि और विकास, बौद्धिक एवं मानसिक चरित्र का निर्माण, आपसी सहयोग, बंधुता, भ्रातृत्व, सहनशीलता और सृजनशीलता इत्यादि की भावनाओं का विकास करना, शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों, विश्वविद्यालय वातावरण, प्रबंधन के साथ मिलकर जन सहभागिता सुनिश्चित करना, विभिन्न परिस्थितियों और स्थितियों के अनुसार कार्य को संपादित करना, ये हो गए शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण के यानी टीचिंग के उद्देश्य। अब ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्य। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा हमने ऊपर बताया आपको, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। अब क्या क्या होते हैं, ब्लूम ने शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों को तीन श्रेणी में बताया, अभी हमने आपको ऊपर बताया, हेड यानी ज्ञानात्मक, हार्ट यानी भावात्मक, हैंड यानी मनोसंचालित। ये उद्देश्य बता रहे हैं शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। पहला है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन। इसका संबंध बौद्धिक क्षमता के विकास से होता है। इसके छह स्तरों में, इसे छह स्तरों में बांटा गया है, क्या क्या, ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन। भावात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन किसे कहा गया है, जिसका संबंध शिक्षक एवं विद्यार्थियों के भावनात्मक संवेगों से होता है। ज्ञानात्मक बौद्धिक क्षमता का विकास है, भावात्मक शिक्षक एवं विद्यार्थियों के भावात्मक संवेग से होता है। अब इनके पांच स्तर बताए गए हैं, क्या, ग्रहण करना यानी जो शिक्षक आपको ज्ञान देता है वो आप ग्रहण करते हैं, तो वो हो गया ग्रहण करना। प्रत्युत्तर यानी कोई क्वेश्चन चाहे शिक्षार्थी की तरफ से पूछा जाए या शिक्षक की तरफ से, तो रिस्पॉन्ड किया जाता है, क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, रिस्पॉन्डिंग। आकलन यानी वैल्यूइंग, संगठित करना, और निरूपण यानी कैरेक्टराइजेशन करना, ये आता है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में। अब मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र क्या है, इसका संबंध तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से होता है। तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित कौन सा होता है, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसे पाँच स्तरों में बांटा गया है, प्रतिरूपता, इमिटेशन, हस्त कौशल, परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्ति और प्राकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन, ये मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। तो इस तरीके आपने देखा ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्य क्या थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। अब है ब्रिक्स एवं गेगने द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्य। ये तो ब्लूम ने कहा था, अब ब्रिक्स एवं गेगने ने शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, पांच श्रेणियों में, जिन्हें 5H कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये आपके, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। अब 5H कहा जाता है किसे, जो ब्रिक्स एवं गेगने ने शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया है उन्हें ही 5H कहा जाता है, जिसमें आता है बौद्धिक कौशल यानी इंटेलेक्चुअल स्किल, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ यानी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, मौखिक सूचना यानी ओरल इन्फॉर्मेशन, संचालन कौशल यानी मोटर स्किल्स एवं अभिवृद्धि यानी एप्टीट्यूड। तो ब्रिक्स एवं गेगने के अनुसार पांच श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, बौद्धिक कौशल, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, मौखिक सूचना, संचालन कौशल और अभिवृद्धि। अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ये वीडियो देखेंगे आप आराम से इस आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए अब है शिक्षण का स्तर। शिक्षण का स्तर मतलब स्मरण शक्ति।
शक्ति, समझ और विचारात्मक लेवल ऑफ टीचिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। कक्षा की गतिविधियों में शिक्षा का क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप दिखाई देता है। किसमें शिक्षा का क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप दिखाई देता है, ये क्वेश्चन बनता है, तो ये क्या आंसर होगा इसका? शिक्षा का क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप दिखता है कहाँ पे? कक्षा की गतिविधियों में। इसे ही शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। किसी भी शिक्षण कक्षा में जब शिक्षण का कार्य चल रहा होता है तो हम दो चीज़ें देखते हैं। पहले ये कि कक्षा में शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है, और दूसरा छात्र शिक्षक द्वारा प्रदान किए जा रहे अधिगम यानी उनसे प्राप्त ज्ञान के द्वारा नए प्रकार के अनुभव देखिए अधिगम का क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्त करना, लर्निंग करना, कुछ सीखना, अधिगम का है कुछ सीखने की प्रक्रिया के द्वारा नए प्रकार के अनुभव एवं ज्ञान को सीखने का प्रयास करते हैं। शिक्षक का प्रयास होता है कि वह प्रभावी शिक्षा प्रदान करके छात्रों को नए प्रकार का ज्ञान प्रदान करे एवं उनके व्यवहार एवं व्यक्तित्व में सुधार लाए। किस में सुधार लाए? शिक्षक का क्या प्रयास होता है? प्रभावी शिक्षा प्रदान करके छात्रों को नए प्रकार का ज्ञान प्रदान कर जिससे उनके व्यवहार एवं व्यक्तित्व में सुधार आए। इस प्रकार ये कहा जा सकता है शिक्षा एवं अधिगम दोनों के एक ही उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं? कि शिक्षार्थी के व्यवहार एवं व्यक्तित्व में सुधार लाना। अब प्रश्न उठता है, ये कक्षा में चल रहे इस शिक्षण कार्य का स्तर क्या होना चाहिए? यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि किन कारकों पर निर्भर करता है शिक्षण? शिक्षक की योग्यता, अधिगम अनुभव की प्रकृति, शिक्षण अधिगम वातावरण, परिस्थितियाँ, शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य, यानी ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं शिक्षण पर। शिक्षण कार्य किस पर आधारित होता है? शिक्षक की योग्यता, अधिगम अनुभव, शिक्षण अधिगम वातावरण यानी एटमॉस्फेयर, लर्निंग एक्सपीरियंस, शिक्षक की योग्यता, शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य पर। तो शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए विद्वानों ने, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इनके तीन स्तर निर्धारित किए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन से स्तर हैं? स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर, चिंतन स्तर यानी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तीन हैं, मनोवैज्ञानिकों ने तीन स्तर निर्धारित किए हैं। तो बौद्धिक शक्तियों के उपयोग की दृष्टि से शिक्षा के इन तीन बौद्धिक स्तरों के स्वरूप को निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल यानी कम से कम विचार योग। जैसे आप देखते होंगे बच्चा स्कूल जाता है तो पहले क्या आता है, स्टार्ट कैसे करता है? किंडरगार्टन, पहले उसको किंडरगार्टन के लिए भेजा जाता है यानी स्टार्टिंग कैसे करता है उसका जो है स्कूलिंग जो होती है उसकी स्मृति लेवल होती है, जहाँ पे वो ABCD पहचानना, अक्षर पहचानना सीखता है। तो वो जहाँ पर वो कम से कम विचार युक्त होता है उसको सीखना होता है, वहाँ पे उसको अक्षर बताए जाते हैं, उसको समझाया जाता है। तो जो सबसे कम लेवल होता है स्कूलिंग का वो होता है स्मृति स्तर पर। बोध स्तर यानी विचार युक्त, जैसे ही आप 10th या 12th लेवल पर आते हैं तो वहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो विचार युक्त होता है। और चिंतन स्तर यानी अति विचार युक्त, जब आप हायर लेवल की जो है एग्ज़ाम देते हैं या हायर लेवल एजुकेशन ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर चिंतन स्तर का इस्तेमाल होता है। तो ये स्मृति स्तर, जैसे नर्सरी में बच्चा पढ़ेगा तो स्मृति स्तर यानी कम से कम सोचता है, उसमें अक्षर पहचानना सीखता है यानी उसको समझता है। बोध स्तर यानी जहाँ पे उसको समझ आनी शुरू हो जाती है, अब अच्छी तरीके से वो पढ़ सकता है, समझ सकता है, विचार करता है, तो जैसे हायर सेकेंडरी। और चिंतन स्तर जहाँ पे हायर एजुकेशन आ जाती है, अब जैसे उसको रिसर्च का काम करना है, MBA करना है, तो वहाँ पर जब एक बड़े लेवल पर चला जाता है तो वहाँ पे चिंतन स्तर आ जाता है, तो चिंतन स्तर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा,
तो अब हम यहाँ पर ये टॉपिक ये कंप्लीट करते हैं। इसके बाकी का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो हम कल आपको लेकर आएंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इजी नोट्स फॉर यू, ये आपके लिए है, ये चैनल आपका है, तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छा प्रयास करने की और अच्छा काम करने की। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।